क्या निर्णय लिया गया सर? देखिए ये मीटिंग है तो इसी बात को लेकर थी कि जो प्रशासन ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है और उन्होंने यही बात बताई है कि मतलब कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं कितने, ये सब देखते हुए उनका यही कहना था कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको लॉकडाउन करना ही पड़ेगा करके, और इसमें इन्होंने सब जितने भी लोग प्रतिनिधि थे उन लोगों की राय में लिए और कुछ लोग प्रतिनिधियों ने कहा कि मतलब हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ ने उसका विरोध करने के लिए कहा और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन का 200% इसका विरोध करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए इन्हीं के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही जो हेड है महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रदीप अवटे, ये स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर है, पूरे महाराष्ट्र के हेड है, इन्होंने खुद ने ये कहा है अभी कल के दिन ही कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है करके। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं है। डॉक्टर अवटे साहब ने ये कहा है कि पहले फेज़ के अंदर लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है, हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीथिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब एक साल हो गया है और एक साल के अंदर भी अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और ये फैसला ले लेती है कि हम लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन के अंदर भी कुछ लोगों को रियायत दी जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी। मैंने अपने दौर के ऊपर साफ कहा है कि अगर बंद करना है तो आप सब चीज़ बंद करने की बात करिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फिक्र हमारे को नहीं है करके। आप एक तरफ मजदूरों की जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको है तो ये ख़त्म करना चाहिए करके। तो अपने अपने लोगों के सुझाव आए हैं लेकिन मैंने अपने तौर के ऊपर ये साफ कहा है कि गरीबों का जो गुस्सा है, जो आज लोग परेशान हैं दो वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके गुस्से को आप आजमाइए मत कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि अच्छे तरीके से हम अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आएगा, क्योंकि उठे सुठे हमको भी सुनने को मिलता है, कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को हम लॉकडाउन करेंगे, कभी आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को बंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती है, उनको समझना चाहिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। वो भावनाओं को देखते हुए सर कल के मोर्चे के बारे में आपका क्या है? आज के और अभी के हिसाब से हमने जो तय किया था वो मोर्चा कल के दिन रहेगा और पूरी ताकत के साथ रहेगा।